बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडीज़ ऑफ मैथ्स डिवाइन क्लास 5। दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड एंड टुडे वील डिस्कस अबाउट समर असाइनमेंट ऑफ 2021। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टूडेंट। दिस इज पेज नंबर 13, ओके, ऑफ योर रीडर बुक। आपकी रीडर बुक का पेज नंबर 13 है ये, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इसका इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ये दोनों आप करेंगे तब आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। क्या करना है इसमें, करना है आपको आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये सारे सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं इनके टाइप्स आपको इसके सामने लिखने हैं, ठीक है। जैसे हैव यू सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, तो ये इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो यहाँ सामने आपको इंट्रोगेटिव लिखना है। आई हैव नॉट सीन एनी थिंग लाइक इट बिफोर, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, आपको इसके सामने निगेटिव नोट कर देना है। दिस डैम हेल्प्स टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये डैम इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस करने में मदद करता है। ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसको आप इसके सामने आपको सिंपल लिख देना है। ये एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट ही लिख देना है आपको, ठीक है। इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट चेंज द सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में आपको सेंटेंसेस को चेंज करना है। किस तरह से, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे 1 सेंटेंस क्या है, सेंटेंस नंबर 1 दिस कंप्यूटर इज़ वर्किंग, ये कंप्यूटर काम कर रहा है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो आपको इसको तीन तरह से चेंज करना है। पहला इंट्रोगेटिव में करना है, यहाँ पे नोट करना है, दूसरा इंपरेटिव में करके यहाँ नोट करना है, और एक्सक्लेमेटरी में करके आपको यहाँ नोट करना है। इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करते जाने हैं, 4 नंबर तक कंप्लीट करना है। जब आप ये पूरा पेज कर लेंगे ए एंड बी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू में क्या करना है, डिवाइड द फॉलोइंग इनटू कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। ये सारे नाउन्स दिए हुए हैं, देखिए आपके सामने, तो इन सारे नाउन्स को आपको डिवाइड करना है किस किस में, कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में। यानी जो कॉमन नाउन है उसके ऊपर आपको सी लिख देना है, और जो प्रॉपर नाउन है उसके ऊपर आपको पी लिख देना है। अब जब ये अलग अलग हो जाएंगे, तो कॉमन नाउन के नीचे कॉमन नाउन लिख दीजिए सारे, प्रॉपर नाउन के नीचे प्रॉपर नाउन लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, और ये आपको बुक में ही करना है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपकी रीडर बुक का पेज नंबर 33 है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, द नाउन्स बिलो आर जम्बल्ड। अब जो नीचे नाउन्स दिए हुए हैं वो जम्बल कर दिए गए हैं, राइट देम इन देयर रेस्पेक्टिव कॉलम्स। उनको आपको कॉलम्स में लिखना है, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखना है, कॉन्क्रीट नाउन को कॉन्क्रीट नाउन में लिखना है। इन सारे ये सारे नाउन के टाइप्स देख कर इसमें, जो एब्स्ट्रैक्ट है एब्स्ट्रैक्ट के नीचे लिखना है, कॉन्क्रीट है कॉन्क्रीट के नीचे। कैसे पता चलेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको क्या बताए थे, किसी भी फीलिंग का या किसी भी क्वालिटी का जो नाम होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और कॉन्क्रीट नाउन यानी जो चीज़ किसी मटेरियल से बनी हुई चीज़ का नाम होता है तो वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए जॉय है, तो जॉय क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉर्नफ्लेक्स क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। मेलोडी एब्स्ट्रैक्ट, होप एब्स्ट्रैक्ट, मूनलाइट कॉन्क्रीट, इम्पॉर्टेंस एब्स्ट्रैक्ट, स्ट्यूपिडिटी एब्स्ट्रैक्ट, जूस कॉन्क्रीट, सैडनेस एब्स्ट्रैक्ट, हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट, रेनबो कॉन्क्रीट, लव एब्स्ट्रैक्ट, परफ्यूम कॉन्क्रीट, टाइम एब्स्ट्रैक्ट, सैंड कॉन्क्रीट, विंड कॉन्क्रीट। तो इस तरह से आपको करते हुए ही कंप्लीट करना है, और उसको भी बुक पर ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन 3 यह आपकी ग्रामर बुक का पेज है, पेज नंबर 122, अप्रैल फूल्स। ये एक स्टोरी है, चैप्टर समझ लीजिए आप इसको। आपको इसको अच्छी तरह से को रीड करना है, और रीड करके इसको अच्छी तरह समझना है। आफ्टर दैट इसी के अगले पेज पर, पेज नंबर 121 पर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, और ये एक एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। ये आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कंप्लीट करनी है। जब आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया, सब आपकी समझ में आ गया, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इसके, और इसकी एक्सरसाइज करनी है।
इसके एक्सरसाइज तो आप बुक में ही कर लेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप कॉपी पर कर लीजिएगा अपना जो समर असाइनमेंट रजिस्टर है उस पर, ठीक है। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी क्या कहा गया है, प्रोजेक्ट ऑन अल्फ़ाबेट्स, आपको अल्फ़ाबेट्स पर प्रोजेक्ट बनाना है। तो वो आप किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग रजिस्टर पर भी कर सकते हैं और जो बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव करना चाहें अगर तो वो शीट पर भी कर सकते हैं। आपको पहले सारे अल्फ़ाबेट्स नोट कर लेने हैं इस तरह से लाइन वाइज 1 2 ABCDEFGH Z तक, ठीक है। नोट करने के बाद में आपको इसके सामने इसके साउंड्स लिखने हैं, ए के कौन कौन से साउंड्स होते हैं, जैसे आ होता है, आ के अलावा और कौन सा होता है, आपको कन्वर्सेशन की बुक में भी समझाया था, अभी लास्ट टर्न पर आपको कन्वर्सेशन का काफ़ी सब समझाया था अल्फ़ाबेट्स और साउंड्स के बारे में, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो उसके ए के सारे साउंड्स नोट करने हैं यहाँ पर आपको हिंदी में। नोट करने के बाद में हर साउंड के दो दो वर्ड्स आपको बनाने हैं, ठीक है। हर साउंड के, जैसे आ है, आ का आ साउंड के दो वर्ड्स बनाने हैं, दूसरा साउंड है उसके दो वर्ड्स बनाने हैं। फिर जब आपकी इसकी सारी ए की सारी साउंड्स कंप्लीट हो जाएंगी तब आपको बी पर आना है। आपको बी पर आने के बाद में बी के सारे साउंड्स लिखने हैं, बा होता है, बी का तो बा ही होता है सिर्फ, और इससे बी साउंड से दो वर्ड्स आपको सामने बनाने हैं। आफ्टर दैट सी पर आ जाना है, सी के का होता है, चा भी होता है सी का साउंड, और सा भी होता है ना, चा भी होता है और शा भी होता है और चा भी होता है कभी कभी, ये सारे साउंड। तो ये चार साउंड्स हैं, चार साउंड्स के आपको दो दो वर्ड्स, दो का के, दो चा के, दो शा के, दो, ठीक है, इस तरह से आपको बनाकर सामने नोट करने हैं। फिर आपको डी पर आना है, ठीक है, डी पर आना है, डी का भी डा ही साउंड होता है, तो इसमें डा के दो ही वर्ड्स बनेंगे। ई है, ई के कितने साउंड्स होते हैं, ए के अलावा और कौन कौन से, पहले साउंड्स नोट करने हैं, फिर यहाँ पर उसके सामने साउंड्स के सामने हर साउंड के दो दो वर्ड्स नोट करने हैं। इसी तरह से सारे लेटर्स में आपको करते जाना है। इस तरह से आपका अल्फ़ाबेट्स का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप चाहें तो रजिस्टर पर भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप शीट ही लाएंगे, और जो बच्चे शीट पर करना चाहें वो शीट पर भी कर सकते हैं अच्छी तरह से क्रिएटिव करके। यही 4 क्वेश्चंस थे आपके, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। गुड बाय।